वेलकम बैक भाई लोग, निकल रहे हैं हम लोग संडे का एंजॉय करने के लिए। मेरे साथ दिनेश भाई और मैं एमबीए इंजीनियर। तो संडे को फन करेंगे आज। तो आज हम लोग जा रहे हैं करसेंग में चिल करने के लिए। तो प्लान तो जाने का था आज नेपाल में, बट नेपाल नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इशू का कुछ चल रहा है वहाँ पे, स्ट्राइक वगैरह। तो आज हम लोग इसलिए थोड़ा प्लान चेंज करके करसेंग की तरफ जा रहे हैं। तो घर से हमारे घर से 30 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट इन्जॉय करने वाले हैं भाई हम लोग। चलो 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 हम लोग आए तीन दर जा रहे हैं। अभी रूट में थोड़ी चेंजेस है तो, बट इधर से हम लोग को जाने के लिए अच्छा लगने वाला है क्योंकि इधर का रोड काफ़ी अच्छा है। इधर पर इधर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा हमको, बट हम लोग इंजॉय करेंगे अच्छी तरह से आज। प्योर स्पीड ब्रेकर ने गाड़ मार के रखा है लवड़ा इधर। अगेन मैन, और ये रहा रोड का कंडीशन, लवड़ा लहसुन जैसा रोड का कंडीशन है यहाँ पे। देखिए बैंक सब लवड़ा बाजी है रोड का कंडीशन। बस थोड़ा आगे अच्छा है इधर। आज संडे है तो हमें काफ़ी सारे राइडर्स मिलेंगे, राइडर्स के ग्रुप मिलेंगे, बट हम लोग तो दो बाइक में है, बट काफ़ी मज़ा आने वाला है हम लोग को। तो अभी हम लोग सुकना के फॉरेस्ट में है, सुकना के फॉरेस्ट एरिया में, तो इसको पार करना होगा, फिर सुकना के जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से जाना होगा हम लोग को, जो महानंदा वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी कुछ है वहाँ पे पार्क वगैरह। साला अभी भी हम लोग अपना बस्ती में, यहाँ से हम लोग का बस्ती मुश्किल से कितना होगा 1 किलोमीटर। तो अभी हम लोग अपने एरिया में ही है। तो अभी आगे से हम लोग को लेफ्ट लेना होगा। तो अभी यहाँ से लेफ्ट होना होगा हम लोग को। ये है सुकना, सुकना बाजार एरिया बोला जाता है इनको। तो आगे सुकना का रेलवे स्टेशन है जो हिमालयन रेलवे उनके तरफ से। बजरंगबली का मंदिर, जय बजरंगबली। और ये रहा रेलवे स्टेशन सुकना का, हम लोग ने पार कर दिए हैं। अरे लवड़ी, ये लवड़ा पैसेंजर लोग गाड़ मंगी चलाता इधर। जो कि आप देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक जो हम लोग का दार्जिलिंग का टोल ट्रेन है, तो यही रास्ते से रूट से दार्जिलिंग जाता है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है जो टोल ट्रेन, आप देख सकते हैं इधर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक बार हम लोग यहाँ पे जब हम लोग बॉक्सिंग करते थे तब मैं आता था इधर रनिंग के लिए। तो एक बार हम लोग यहीं पे कहीं आसपास रेस्ट कर रहे थे तो बहनचोद उस टाइम हाथ से निकल गया। हम लोग ऐसे भागे, कसा अपना जो बॉक्सिंग का किट होता है सारा कुछ छोड़ के भागे थे हम लोग। वो दिन याद आ रहा है हाथ इधर इस रास्ते आके बुक में। तो देखिए बहुत काफ़ी ये जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है ये। देखिए ये आपका वाइल्ड लाइफ पड़ जाता है। तो एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया यही आसपास सामने, अगर किसी ने मेरा वो वीडियो देखा होगा, प्रैक्टिस किया हुआ यूट्यूब में, अवेलेबल है मेरा, बट वो दूसरे चैनल पे आप देख सकते हैं उसे जाके। प्रवीण साहब को सर्च करेंगे तो आपको मेरा इवन मेरे बिजनेस प्रोफाइल का सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वो देखिए क्रॉसिंग का, तो देखिए संडे आज बहुत लोग साइकिल पे साइकिलिंग कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज संडे
ये रूट पे ना हर कोई साइकिलिंग करने, कोई रनिंग करने, कुछ ना कुछ करने आता है, क्योंकि ये जहाँ का वेदर बहुत अच्छा है एंड सबको पसंद करता है इस एरिया को। मोस्टली अगर यहाँ से जाने से आता था, अभी आदमी लोग जाते हैं, आप तीन धारा से जाएंगे तो तीन धारा ऊपर नहीं जाते, बट हम लोग तीन धारा से पार होकर थॉट सिंह जाएंगे और थॉट सिंह वहाँ पर जाकर फील करेंगे। इवन मेरा एजुकेशन जो मैंने अपना कॉलेज किया डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैंने थॉट सिंह नहीं किया वहाँ, तो काफ़ी देख सकते हैं आप लोग काफ़ी राइडर गए थे उसके, हम लोग मज़ा आने वाला है। रास्ता जाम हो गया गाइस, अलग कभी अगाड़ी कर दिन अली गाइस, जाम हो गया। हुन्छ धन्यवाद हजुरलाई। उस दिन चाहिँ रास्ता कितना छोटा था, कितना कंजस्टेड था, वहीं पे कुछ शायद पानी सप्लाई कर रहे थे हम लोग। देखिए रास्ता कितना छोटा है, तो यहाँ पे अगर कोई ये जो बोलते हैं आपका माजदा वगैरह कैंटर वगैरह आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, उन किसी को पीछे होना पड़ेगा। भाई रास्ता बहुत खतरा है एंजल, इधर रमदर भाई माजे यो बाटो त्यो डाउल पढी जान्छ है, भिक्टोरिया डाउल ए पनि पढी जान्छ है, यो डाइरेक्ट सिधा जान्छ हजुर हजुर हजुर, ए बाटो पुरा खराब छ, ए राम्रो छ है हजुर, हामी यही तलबाट कि पहिला त यहीँ पढ्थ्यो कि खप्रेल खप्रेल, हजुर हजुर हिमालय पढ्छ नि कि पहिला यहाँ जे पोलिटेक्निक पढ्थ्यो कि, हजुर हजुर मन्टिभेट बस्थेँ पहिला हजुर, चुरे चुरेको 2018मा चुरेको, अहिले त काम गर्दैछु, आज सन्डे छुट्टीमा चाहिँ घुम्न आएको हजुर, दिँदै कुन चाहिँ इयरमा
धन्यवाद भाई हजुर 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 हुन्छ हजुर हुन्छ हजुर गाडी कन्डम होगा सायद एक गियर में भाग रहा है ये भी तो मैं वीडियो जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ पहले जहाँ पे हम लोग चल रहे थे बहुत हाइट थे यार कसम से मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था गिरने वाला था मैं थोड़ा अभी गिरने वाला था बट मेरा फ्री राइडर ने मुझे बचा लिया दिस इज मे बी सम रिसोर्ट कि आप देख सकते हैं रास्ता काफी डेंजरस दिखाई दे रहा है ओह शिट मैन काफी ऊंचा है भाई लोग देख सकते हैं साला ऊंचाइयां ग्लेन स्कूटर में ग्लेन स्कूटर थापना थापना लगाया होता ओ कस्टम जो रोड है कस्टम एडवेंचर के लिए बहुत डेंजरस है दिस इज देखिए काफी हाइट ऊपर भी तो हम लोग अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं यहाँ से इंतजार तो ये रहा पार्ट था हेवन तो बंद है अभी नो ट्रांसपेरेंसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरा वीडियो बनाने बेटे वाले भैया ना ये भी ना मैंने कर मन लगे ये वो हाथ दो आखिर ना समझ दिल गया दो ना मैं ठीक ना मैं ठीक है ऐसे तामुम ठीक है ਬੇਰੇ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀਜੀ ਮੈਂ ਬਿਟਿੰਗ ਆਈ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਬੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਨਾਲ ਫੜੀ ਗਾੜੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਮ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾ ਬੰਦਾ ਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਮਸਕਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਲੋ ਦੇਖੀਏ ਟੈਟੜਾ ਟੈ ਹਾਂ गाड़ी गाड़ी तो कंडम जाते भाई मतलब ही था आ हाथ ले माते गाड़ी बुआ का पिट 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 वो करण जरा था भाई सो गाइस फाइनली मैं अभी हम लोग पहुंच गए अभी कर्सन के हेवन पे अब लोग फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे यहीं पे तो बहुत सारी यादें थे इस जगह से हमने बहुत इन्जॉय किया था हमारे कॉलेज टाइम में ये रहा मैं करण पीछे हो रहा बिजी है ये रहा देखिए करण ये रहा जुनेश भाई भी ये रहा जुनेश भाई ये तांबू तो इन्जॉय कर रहे बहुत सारी यादें जुड़े इस जगह से जिसे हम लोग हेवन कहते हैं दिखाता हूँ आपको कैसे व्यू रहने वाला है आप देख सकते हैं व्यू दिस इज द व्यू हमारा पुराना यादगार हमारे कॉलेज के टाइम पे हम यहाँ आया करते थे एंजॉय करने के लिए इंजीनियरिंग तो कुछ नहीं किया बट इंजीनियरिंग के नाम पे हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे
आपको मैं व्यूज दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ किस तरह रहने वाला ये व्यू। आपको पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ देख सकते हैं, आपको दिखा रहे नहीं रहा, आप तो अब मेरा थोपड़ा देख रहे हो, अभी देख सकते हैं ये रहा। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। ये रहा जो व्यू है, इस प्रकार से व्यू रहने वाला है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो यहीं पे आते थे हम लोग चिल मारने के लिए, कुछ बियर्स की बॉटल्स लेके एंजॉय करने के लिए। अरे बेटे बोला भैया, आप ये कहाँ आए, कहाँ पर आए? तो अभी मैं लंच करने वाला हूँ, हम लोग ने पूरा एंजॉय कर लिया। देखिए हमारे साथ हमारे दोस्तों भी जाने कुछ रहा, बहुत बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल नए तो अभी लंच कर रहे हम लोग, पूरा भूख लग गया था ना, पूरा उधर करके अप्रोच हम लोग आज लगभग 150 किलोमीटर चला चुके हैं। तो अभी रेस्ट करके थोड़ा लंच कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये वाला, ये पोर्क चिकन एंड दिस इज विस्की, दिस इज कार्लसबर्ग। तो हम लोग इंजॉय करेंगे गाइस। तो होप आपको मेरा ये छोटा छोटा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। एमबीए की जिंदाबाद। सभी काफी इंजॉय कर चुके हैं हम लोग मेंस में। तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे थोड़ी देर बाद, खवा थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं जो करसंग बाजार घूमेंगे। फिर जो संडे हम लोग का काफी औसम रह चुका है, तो करसंग बाजार जाएंगे फिर सीधा घर। तो इंजॉय कर चुके हैं काफी हम लोग ने, तो सी यू अगेन गाइस। सो बीटेक वाला भैया बताइए अभी कहाँ पहुँच गए? तो अभी हम लोग लोमी पहुँच गए हैं, तो यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है। तो काफ़ी मज़ा रहा आज का संडे, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। तो घर पहुँचने वाले गाइस, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मैं वीडियो पे हूँ और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।